हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे पचमेल दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और 5 तरह के दालों को मिला के मैंने बनाया है। इसे खाने के बाद आपको किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही डिलीशियस होता है। ये देखिए, ये बाज़ार में इस तरह मिक्स भी मिलता है और आप चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। सिर्फ एक कटोरी दाल से ही मैंने इतनी अच्छी टेस्टी दाल बनाई है। ये देखिए, इसे सबसे पहले मैंने धो कर के वॉश कर लिया है और इस तरह 2 सीटी लगा के गला लिया है। इतना गला हुआ दाल होना चाहिए। सिर्फ नमक और हल्दी डाल के मैंने इसे गलाया है। अब सारे सूखे मसाले, ये मिर्चा है, धनिया है, नमक है, हल्दी है, जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है और ये मिर्चा पाउडर है। इन सभी की क्वांटिटी 1/2 टीस्पून है, ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने सरसों का तेल लिया है, इसे अच्छी तरीके से मैंने गरम कर लिया है। इसमें कड़ी पत्ता मैंने ऐड किया है और एक लौंग लिया है, 2 से 3 कड़ी पत्ता, 1 छोटी इलायची और लौंग का छौंका देने के बाद ये सारे सूखे मसाले डाल करके हम सॉटे कर लेंगे। ये जब अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। आप कटा डालना चाहे तो कटा भी डाल सकती हैं, मेरे पास पेस्ट था मैंने वो डाल दिया। और ये प्याज मैंने बारीक कटा रखा है, 2 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए हैं। इसे भी काट के हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बारीक। हम चाहते तो इसे पहले भी डाल सकते थे लेकिन मैंने इसे बाद में डाला है और हल्का सा पानी इसलिए डाला है ताकि ये प्याज गल जाए। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन से कवर कर देंगे इसे ताकि हमारा प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए, पकने लगे हैं मसाले और प्याज भी काफ़ी हद तक के गल चुका है। अब इसमें मुझे थोड़ी देर तक के और इसे पका लेना है जब तक के पानी सूख ना जाए। और ये देखिए, मैंने 5 से 7 मिनट तक के इसे पकाया और इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, प्याज भी गल गया है और सभी मसाले बराबर हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मुझे इसमें दाल ऐड करना है। जो मैंने गले हुए दाल रखे हैं उसे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सारी दालों को ऐड करने के बाद हमें इन मसालों में मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, सारी दाल मेरे मिक्स हो चुके हैं और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप बनाएंगी तो किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही खा सकती हैं। ये इतना टेस्टी है और इसमें जो दाल का पानी था वो अब हम एक कटोरी डाल देंगे। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप यूं ही रहने दें। मुझे थोड़ी सी हल्की करनी थी इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, वो भी दाल का पानी है। नॉर्मल पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ दाल का पानी ही आप यूज़ करेंगी। और जब ये हल्का सा इस तरह से पकने लगेगा तब हम इसके अंदर मैगी मसाला ऐड करेंगे। ये मैगी मसाला का पाउच आसानी से किसी भी दुकान पे मिल जाता है, सिर्फ 5 रुपये में मिलता है। इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकती हैं लेकिन मैंने मैगी मसाला यूज़ किया है। अब आप इसे चाहे तो धनिया पत्ती या किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकती हैं और थोड़ा सा कवर करने के बाद 1 से 2 मिनट पका लेंगे। जब इस तरह से पकने लगेगा तब हम गैस बंद कर देंगे। और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी दाल अच्छी लगी हो तो फटाफट आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुँचे और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए, मेरे पास एक इस टाइप की डिश थी, मैंने इसके अंदर इसकी प्लेटिंग की है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा है और उतना ही अच्छा खाने में भी है। प्लीज़ फ्रेंड, इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड।